खाली, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इसके आगे हुआ फेल। नमस्कार, मैं रश्मि तिवारी और आप देख रहे हैं कभी न्यूज। अगर आप भी किसी गैर विश्वसनीय सोर्स से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये चेतावनी आपके लिए ही है। SBI, PNB, केनरा, HDFC, IDBI बैंक आदि ने अपने ग्राहकों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा वायरस है जो आपके फोन में प्रवेश करके आपके कीमती एसेट्स को चुरा सकता है। सोवा को लेकर भारतीय कंप्यूटर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम की एडवाइजरी के बाद बैंकों ने अपने ग्राहकों को ये अलर्ट करना शुरू कर दिया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सोवा ट्रोजन वायरस ने 200 से अधिक मोबाइल बैंकिंग और क्रिप्टो ऐप को टारगेट किया है। ये एक बैंकिंग वायरस है जो बिना सबूत छोड़े आपके खाते से रुपए निकालकर दूसरे खाते में भेज सकता है। खास बात यह है कि ये बैंक ग्राहकों के OTP चुराने के बाद सिस्टम में फीड कर देता है और ये वायरस ऐप की लॉगिन, क्रेडेंशियल और कुकीज चुराने में काफी तेज है। इस मालवेयर को पहली बार सितंबर 2021 में डिटेक्ट किया गया था। भारत से पहले सोवा वायरस अमेरिका, रूस और स्पेन में भी सक्रिय रहा है। ये चेतावनी खास तौर पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जारी हुई है। बैंक के अनुसार ये वायरस एक एंड्रॉइड फोन को चुपके से इनक्रिप्ट कर सकता है। ये ऐप्स में फर्जी लेयर्स जोड़ता है जो पेमेंट ऐप की हर चीज कॉपी करने में मदद करती है। ये यूजर नेम और पासवर्ड चुराने, स्वाइप करने, स्क्रीनशॉट लेने, डेटा कब्जे में लेने, फिरौती मांगने में काफी तेज है। और तो और ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी मात दे देता है। अब हम आपको बताते हैं क्या है सोवा वायरस। बैंकों की चेतावनी के अनुसार ये एक ट्रोजन मालवेयर है जो फेक बैंकिंग एप्स यूज कर रहे लोगों के पर्सनल डेटा पर हमला कर उन्हें चुराता है। ये आपकी गुप्त वित्तीय जानकारी चुरा सकता है। जब यूजर अपनी नेट बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये मालवेयर उनके क्रेडेंशियल रिकॉर्ड कर लेता है और इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। अब हम आपको बताएंगे कि ये वायरस कैसे काम करता है। पहले एक फर्जी SMS के जरिए इसे आपके फोन में इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद ये ट्रोजन आपके फोन में मौजूद एप्स की जानकारी हैकर्स के पास भेज देता है। हैकर्स कमांड और कंट्रोल के माध्यम से आपके फोन में वायरस भेजते हैं। साथ ही एक लिस्ट भी भेजी जाती है जिसमें टारगेट की जाने वाली एप्स लिखी होती हैं। अब जब आप इन एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो वायरस उसका डेटा एक XML फाइल में स्टोर कर देता है जिसे हैकर्स द्वारा एक्सेस किया जा रहा होता है। एक बार ये वायरस आपके फोन में प्रवेश कर गया तो इसे हटाना बहुत मुश्किल काम है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप सावधानी बरतें। कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए विश्वसनीय सोर्स का ही इस्तेमाल करें। ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यूज जरूर पढ़ें। ऐप को परमिशन देने से पहले जानकारियों को अच्छे से पढ़ें कि आप किस चीज की अनुमति दे रहे हैं। प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी ऐप डाउनलोड ना करें। त्योहारी सीजन में ऑफर, मेगा सेल, कम ब्याज दर पर लोन व अन्य लुभावने संदेशों से बचें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ कभी न्यूज़ पर। नमस्कार।